जहां एक ओर कोरोना का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे में संकट की घड़ी में कुछ लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही संकट की इस घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना कार्य कर रहे हैं शहर के समाचार पत्र वितरक जीतू चौहान का माँ मधुर सेवा संस्थान की ओर से सम्मान किया गया। संस्थान के सचिव वैभव उपमन ने बताया, ये कोरोना वॉरियर्स इस विपदा की घड़ी में अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन कर रहे हैं, ऐसे में इनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश उपमन ने समाचार पत्र वितरक जीतू का माला साफा पहनाकर सम्मान किया। संस्थान के संस्थापक व अध्यक्ष जगदीश उपमन ने समाचार पत्र वितरक जीतू का माला साफा पटका से सम्मान करते हुए बिल का भुगतान किया तथा अग्रिम राशि देते हुए प्रोत्साहन राशि भी दी गई। जगदीश उपमन ने कहा कि ऐसे समय में इन जैसे लोगों का उत्साह बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं लोगों की वजह से लोग विश्व भर की खबरों से रूबरू होते हैं। अखबार वितरक जीतू ने इस सम्मान पर सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष जगदीश उपमन, जितेंद्र शर्मा, स्वाति दीक्षित, राधा शर्मा, दीपक सैन आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार जी, हम कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं। हमारा रोज का काम है अखबार गिरने का। आज भी हम पेपर गिर रहे हैं, बस दूर मतलब आने वाले समय में भी गिरते रहेंगे। और जो कोरोना की टाइम है वो बस दूर चलता रहेगा। आज अंकल जी द्वारा उपन परिवार से हमें सम्मानित किया गया है। आने मतलब उपवन परिवार से हमें आज सम्मानित किया गया है और आगे राशि भी बढ़ा के दी है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस जहाँ दिन प्रतिदिन फैल रहा है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कार्य को बखूबी संपादित कर रहे हैं। बहुत से लोग पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, बहुत से लोग जन जन तक खबरों को पहुँचा रहे हैं। ऐसा ही कार्य समाचार पत्र वितरक के रूप में भाई जीतू चौहान कर रहे हैं, जो सुबह सुबह लोगों को अपनी जान जो जान की जोखिम की परवाह किए बिना भी समाचार पत्र का वितरण कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कार्य को संपादित कर रहे हैं और बेहतर रूप से उसका संपादन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सम्मान के लिए हमारे क्षेत्र में समाचार पत्र वितरक भाई जीतू चौहान का माँ मधुर सेवा संस्थान की तरफ से माला साफा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इनको बतौर प्रोत्साहन राशि और अग्रिम बिल का भुगतान किया गया। ये वाकई में इनका कार्य काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये खबरों का जो माध्यम है, खबरों को देने का जो माध्यम है, वो उनके द्वारा संपादित किया जा रहा है। ऐसे समय में, इस विपदा की घड़ी में, ये लोग अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वाकई में इनके कार्य को सलाम। मैं वैभव उपमन, मां मधुर सेवा संस्थान सचिव, धन्यवाद।